फ्लैश न्यूज की सारी खबरें आप तक। सहारा जिला की एटीएस की टीम ने एक ऑटो लिफ्टर गैंग का पर्दाफाश कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 5 कार, 1 स्कूटी बरामद की। सहारा जिला के एडिशनल डीसीपी फर्स्ट राजीव कुमार ने मीडिया से प्रेस रिलीज सदा करके बताया कि सहारा जिला की एटीएस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 ऑटो लिफ्टर को गुजरात से और 3 को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इसमें 2 आरोपियों को जेसी भेज दिया है और 3 आरोपियों से पूछताछ जारी है। इनके कब्जे से 4 लग्जरी कार, 1 i20 कार, 1 स्कूटी व अन्य सामान बरामद किया है। आगे एडिशनल डीसीपी ने बताया कि ऑपरेशन सेल के एसीपी के निर्देश पर एटीएस के इंचार्ज इंस्पेक्टर विजय बालियन के नेतृत्व में एक टीम बनी। इस टीम में एसआई राजेंद्र, एएसआई सुनील, एएसआई राजेंद्र, हेड कांस्टेबल कपिल, हेड कांस्टेबल राजेंद्र, हेड कांस्टेबल सोनू, हेड कांस्टेबल सुनील, हेड कांस्टेबल अमरजीत इस टीम में शामिल थे। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 अलग अलग इलाकों से 5 ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 दिल्ली से गिरफ्तार हुए हैं और 2 गुजरात से गिरफ्तार किए हैं। सभी आरोपियों की पहचान, पहला मुशीद, दूसरा आरिफ, तीसरा आदिल, चौथा सतीश, पांचवा रज्जाक। आदिल और रज्जाक को गुजरात से गिरफ्तार किया है। इस पे सुने प्रेस वार्ता। देखिए, अगस्त के लास्ट वीक में हमारे यहाँ से एक क्रेटा गाड़ी चोरी हुई थी, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ हाई एंड गाड़ियाँ चोरी हो रही थी, तो उसी के बेसिस पे इंस्पेक्टर विजय बालिया ने, हमारे एटीएस इंचार्ज, उनके नेतृत्व में टीम बनाई गई और उस पर लगाई गई। इन्होंने करीब करीब 150 तो सीसीटीवी कैमरा एनालाइज किए। इसके अलावा सीडीआर और टेक्निकल सर्विलेंस के बेसिस पे इन्होंने एक एक्यूज आइडेंटिफाई किया, मुत्तजिर, ठीक है। इससे हमें एक चोरी की स्कूटी बरामद हुई जो फर्स्ट बाजार से चोरी थी, और साथ में इसके 2 और चोर अरेस्ट हुए, आरिफ और सतीश। तो इन तीनों के अरेस्ट होने के बाद हमें पता चला कि ये गाड़ियां यहाँ से चुरा रहे हैं दिल्ली से, और इन्होंने स्वीकार भी किया कि 150 व्हीकल चोरी कर चुके हैं अब तक, और ये गाड़ियां ले जाकर जो हाई लग्जरी व्हीकल्स है गुजरात और महाराष्ट्र में बेच रहे हैं। और वहाँ पे क्योंकि हमें रिसीवर्स को भी अरेस्ट करना था, तो हमने टीम को भेजा, आरिफ का हमने पीसी लिया 5 दिन का, और हमारी टीम गुजरात और महाराष्ट्र गई और वहाँ जाके 2 और लोगों को अरेस्ट किया, एक आदिल और एक रज्जाक। ये वहाँ पे आदिल और रज्जाक का काम क्या था कि चेसिस और इंजन नंबर जो है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, और उसके बाद वहाँ उस गाड़ियों को बेचना। सर, टोटल कितने लोग शामिल थे इसमें? ये 5 लोग हैं टोटल, जो मैंने आपको नाम बताया, मुताहिजिर, आरिफ, सतीश, रज्जाक और आदिल। इन 5 का प्रोफाइल क्या है बेसिकली? प्रोफाइल वही है, इन 5 में से 4 का तो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, जैसे सतीश पे 18 मुकदमे हैं ऑलरेडी चोरी के और इन चीज़ों के। इसके अलावा जो अपना मुसाहिद है और आरिफ है, इन पे भी 4-4 हैं, और आदिल पे भी 4 है। रज़ाक की हमें इन्वॉल्वमेंट नहीं मिली है यहाँ की कोई। गुजरात से जो टीम गुजरात से पकड़े गए, इनके नाम क्या हैं? रज़ाक और आरिफ, आदिल। ये रिसीवर हैं? ये रिसीवर आदिल और रज़ाक। तो बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं ये? जैसे जो रज़ाक है वो महाराष्ट्र पुणे का है, इसके अलावा 2 लोग दिल्ली के हैं, एक समालका का है पानीपत के पास, जो एक यूपी से है। सर, ये गाड़ी कैसे चुराते थे? गाड़ी इनके पास, इन्होंने ओबीडी खरीदा हुआ है, ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक करके एक इक्विपमेंट होता है, जिसके बेसिस पे आप जो डुप्लीकेट स्मार्ट की है उसकी इलेक्ट्रॉनिक की जनरेट कर लेते हैं, उसके बेसिस पे आप गाड़ी खोल लेते हैं। कहाँ से रहते हैं? पंजाब से? हाँ हाँ, इन्होंने पंजाब से इसको लेकर आए थे, क्योंकि ऑन डिमांड भी था। इसके अलावा गाड़ी चुरा के वहाँ पे मतलब खरीदार तो मिल ही जाते थे उनको, दोनों ही चीज़ थी। सर, इसमें ज़्यादा गाड़ी ऑटोमेटिक है या नॉर्मल गाड़ी भी चोरी की है? क्योंकि ओबीडी यूज़ कर रहे थे तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिक गाड़ियाँ ही चोरी कर रहे हैं, उसका काम ही होता। 4 लग्जरी कार है और एक i20 है और एक स्कूटी है। हाँ जी, चारों लग्जरी गाड़ी कहाँ से इन्होंने चोरी की थी? इनमें से 4 में से 3 तो हमारे दिल्ली से चोरी है, 1 यूपी से है, गौतम बुद्ध नगर से।